स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और बहुत दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो एक्चुअली सच बताऊँ तो रीज़न बहुत ही सिंपल ही मिलेगा, क्योंकि आपको बताया कि मैं ये गेम खेलने नहीं वाला और एक ये जो अकाउंट है इसका गिव अवे मैंने पहले स्टार्टिंग से किया था और इसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाया उस गिव अवे के, तो उसको कंटिन्यू करते हुए ये कह रहा हूँ कि आज और इसके बाद दो तीन वीडियो और दो वीडियो सिर्फ और रहेंगे जिनमें कोर्स रहेंगे, और उसके बाद चौथा वीडियो इसके बाद ये एक और दो उसके बाद तीन, टोटल तीन के बाद ये आज पहला है, ठीक है, और दो वीडियो इसके बाद डलेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग गिव अवे अनाउंस कर देंगे जो भी विनर बनेगा इस अकाउंट का। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं इस गेम से टोटली बोर हो चुका हूँ और मैं इस गेम के गेम को लेकर ज़्यादा सीरियस फील भी नहीं करता, क्योंकि टोटली पे टू गेम हो चुका है। जो जितना ज़्यादा पे करेगा उसके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा है, और ये पहले जैसा इंटरेस्टिंग नहीं रहा जहाँ पे आप एज ए लो लेवल प्लेयर बड़े बड़े को हरा सकते हो। तो इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं छोटे मोटे पोकेमॉन्स ये ऐसे डाल दे रहा हूँ ताकि जिस बंदे को मिले एटलीस्ट उसको तो कुछ ऐसा मिले जो एक आर्समैन कॉम्बैट पिकाचू को यूज़लेस बना सके। तो आप समझ ही पा रहे हो किसके बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्राउन हूपा की। एक टाइम था अगर ये पोकेमॉन उस वक्त मेरे को मिले तो शायद मेरे पास ये आर टू होते आज, जैसे कि ग्राउडॉन मेरे को हमेशा आर टू बनाना था, वो भी है आर टू मूव बहुत ही सही है, और एज ए ग्राउडॉन डेजर्ट लैंड और ऐसे खतरनाक एबिलिटीज मूव्स बहुत ही ओपी होते हैं। मेरे को कभी चांस मिला नहीं, पर अगर कभी मिलता तो मैं ज़रूर बनाता इसको। अभी रूल्स बहुत सिंपल है गाइस, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, कुछ वीडियोस पहले हमने गिव अवे अनाउंस किया था जिसपे कुछ वीडियोस पे हमने कोड डाले थे, आपको वो कोड्स याद रखने हैं, और आने वाले इस वीडियो में और दो और वीडियोस में कोड रहेंगे, सबको मर्ज करना है सीक्वेंस वाइज, और उसके बाद जैसे ही मैं डालूँ कि भाई अपना अपना कोड्स हमें दो, सबमिट करो कमेंट्स में, और उनमें से हम एक रेंडम सा बंदा चूज़ करेंगे जिसका एक्चुअल कोड सही होना चाहिए। चलो एक आपको रिलीफ भी देता हूँ, एक एडवांटेज रहेगा जिनके पास वो ऑलरेडी कोड्स रहेंगे, इनके ऐसे किसी के पास अगर नहीं है उसको वीडियोस नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, पर ज़्यादा एडवांटेज उसी के पास रहेगा जिसको वो वीडियोस के कोड्स मिले होंगे, ठीक है। तो अभी ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कोड्स जमा करने और सबको सीक्वेंस वाइज लगाना है, और जो भी वैल्यू बनता है आपको कमेंट में पेस्ट कर देना, और एक रेंडम बंदा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हो कोड्स उसको हम लोग अकाउंट दे देंगे। तो बेसिकली अकाउंट मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, और क्योंकि और कोई तरीका है नहीं पूरी तरह आपको देने का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तरीके रहे नहीं, गामी रही नहीं जिसे आप कॉन्टैक्ट करके चेंजेस कर सकते हो। तो ये रहेगा कि आप मेरे साथ शेयर करोगे, हालांकि मैं अब ज़्यादा खेलूंगा नहीं और इस ऐप को मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि बेकार में ज़्यादा स्पेस खा रहा है, एक दो जी बी का हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन में रहे। तो बेसिकली अब क्या करना है, आपको बस कोड्स कलेक्ट करना है और इसको देने जाना है, मतलब मेरे को देते रहना है, और जब ऐसे डालना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एक तीन और इसके बाद दो वीडियो डालेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे अपना कोड सबमिट करो, आपको कोड सबमिट करना है और बस, कोई नहीं उसमें से रेंडम एक बंदा हम चूज़ करेंगे। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं ये उन्हीं के लिए लागू है, जो ऐसे बंदे हैं नहीं जो सब्सक्राइब ना करे और एकदम से वो कोड डाले उनको नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए रूल्स कुछ। और न्यू सब्सक्राइबर्स हो या ओल्ड सब्सक्राइबर्स सब इक्वली हैं, पर सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है। तो बेसिकली मेरे को सुनने को मिला है और ये पता भी चला है कि सन एंड मून भी फाइनली बैन हो चुका है, बैन नहीं मैं कहूँगा कि गेम सर्वर डेड हो चुका है, और उस गेम के तो पहले ही से हालात कुछ ढीले नहीं थे, मतलब टाइट नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे, टाइट ढीला कुछ भी कहो गेम ही मर चुका है, उसके बारे में क्या बात करना। तो जो सन एंड मून प्लेयर्स हैं जिनको अभी भी थोड़ा मतलब अभी भी लगा हुआ है इस गेम से बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सन एंड मून और मॉन्स वीकेंड या फिर अभी जो भी वीकेंड है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, सेम सा ही गेम है और आराम से आप खेल सकते हो, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको सन एंड मून, और इसमें बस यही है कि शायद जितना मेरे को पता है यहाँ पे थोड़े आपको ये चाइनीज़ वर्जन के अल्टीमेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सन एंड मून में है कि नहीं, थे कि नहीं, ये नहीं पता आपको, अच्छे खासे पोकेमॉन दिख जाएंगे गाइस, ऐसा नहीं कि वेस्ट अकाउंट है। हाँ, मैंने ज़्यादा इस पर काम किया नहीं है, बहुत छोड़ दिया मैंने इसको टोटल, और खेलता भी नहीं ज़्यादा, टाइम भी नहीं मिलता आप अगर नोटिस करो तो। मैं रात के अभी 9 बजे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि गिव है, तो आप लोग आराम आराम से जो है कोर्स कलेक्ट करके सबमिट करके इस अकाउंट को हासिल कर सकते हो, आपके पास एक चांस रहेगा, और ऐसा ना हो कि आप बाद में कहो कि हो सकता है आप जीत सकते हो, आप ट्राई करना और देखते हैं कौन जीतता है। ऑल द बेस्ट जिसको भी मिले, बस ख्याल रखना अकाउंट को कुछ, देखो आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, एवियन स्टोन्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको यहाँ पे वोकेमॉन्स बहुत सारे मिलेंगे, आप अल्टीमेट चीज़ और इजीली बना सकते हो, आपको कॉइन्स सारे के सारे भरे पड़े मिलेंगे, आपको बस चीज़ और वाइल्ड से पकड़ना और आपका अल्टीमेट बन जाएगा, और अगर आप खेलना चाहते हो खेलो, डिलीट करो जो भी आपकी मर्जी, शेयर भी करो तो करो किसी, मेरे कोई परवाह नहीं है, पर यह है कि मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आप इसे अच्छे से ख्याल रखोगे तो हो सकता है आपके काम आ जाए, नहीं भी रखोगे तो वो आपकी मर्जी।
तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पोकेमॉन्स के लेवल्स जो हैं अच्छे खासे हैं, 111 है मेरा मोबाइल और जैगयार्ड भी ठीक ठाक लेवल पे, पावर भी बहुत ज़्यादा, स्पीड भी बहुत ज़्यादा। अभी पता नहीं ये नॉर्मल जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले कितना है, पर उस टाइम पे तो ठीक ही ठाक था, स्पीड मेरा बहुत ज़्यादा था। डार्क राय वगैरह है हमारे पास, अल्टीमेट डार्क राय, कोई अल्टीमेट बोल रहा हूँ, सॉरी स्काई डार्क राय मेरे पास, मेरे पास जैगयार्ड R3 है जिसका 38 आईबी मैंने नहीं किया कि ऑब्वियसली 2P इंस्टांस 2P बैटल शायद करने पड़ते हैं, और अब गेम में इतने प्लेयर्स मेरे रहे नहीं फ्रेंड्स जिनके मैं सबको बोलूँ कि आओ 2P बैटल्स करते हैं और जल्दी जल्दी खेलते हैं। जो भी था जैसे भी था ठीक ठाक ही गया गेम। अभी आपको देख सकते हैं कैंडीज मैंने बाय करके रखे हैं, हो सकता है कि आने वाले प्लेयर को थोड़ा काम आ जाए, और ये सारी चीज़ें भी थोड़ा पावर्स भी देती हैं और सारी चीज़ें सही है, मतलब देख सकते हो अल्टीमेट्स वगैरह है हमारे पास, एक अल्टीमेट है, आप गेंगार चाहो तो अल्टीमेट बना सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिर भी आप बना लो, कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं। अल्टीमेट मतलब ज़्यादा पावर, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा डिफेंस, ज़्यादा स्पीड, सब कुछ ज़्यादा ही रहेगा आपके पास, एक तरीके से ठीक ही रहेगा गेम। और ये गिल्ड है, आज आपको याद ही होगा कि आपका भाई सीएम करता, मैंने वो पोस्ट छोड़ दिया, मैंने एक बंदे को रैंडमली दे दिया क्योंकि अब गेम पे कुछ रहा ही नहीं, मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, हर कोई अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है, मतलब यहाँ पे पहले खेलता था जैसे कि हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलती, हम शरीफ आदमी हम लोग ऐसे सबको बता देते कि सबको इन्जॉय कर पाए, अब वो बुरी तरीके से हर जगह फैला देंगे तो उसके बाद कोई मज़ा नहीं। जैसे गिल्ड वॉर का है आपको पता ही था, मैं ऐसे ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते मिला था, पर वो बाद में जब जिसे नहीं देना चाहिए उसे भी मिला तो हमने फाइनली उसे वायरल कर दिया, जिसके पास गया अब हर कोई इसे यूज़ कर रहा है और गिल्ड वॉर थोड़ा ज़्यादा फेयर हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा रहे थे उसके, तो ये है ना कि सबके पास हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, जब हमारा नहीं तो किसी का नहीं, सबका बराबर बराबर। अच्छा अभी फैटर्स भी हमने ठीक ही ठाक किए हैं, ज़्यादा फैटर्स पे मैंने कभी काम नहीं किया हमेशा से, अगर बैटल की बात आई है तो मैं पोकेमॉन टाइप और पोकेमॉन मूव्स पे ज़्यादा भरोसा करता था कंपेयर टू फैटर्स, और फैटर्स भी ठीक ही ठाक है, मतलब ऐसे नहीं कि 100 के ऊपर ही है, 100 के साइड 135-151 ऐसे आसपास होएगा, अभी खोल के देखा नहीं मैंने, टाइम ही इतना नहीं है। तो सिंपल है गाइस, आपको वो कोड्स कलेक्ट करने हैं और मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको पहले से जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था कि गिवअवे है, आपको चैनल पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे आपको वीडियो मिले उस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियो डाले एक तो 3-7 वीडियो होंगे जिनमें कोड्स होगा, आपको वहाँ से कोड्स हासिल करने हैं, उस कोड्स को लिख के रखना है, और इस वीडियो में और आने वाले 2 वीडियोज़ में कोड होंगे उनको सीक्वेंस वाइज लिख के रख देना है, और जैसे ही मैं चौथे वाले वीडियो में डालूँ कि गाइस अपना अपना कोड सबमिट करो, उस कमेंट में से किसी एक रैंडम बंदे को हम लोग ये अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं आपको पर्सनली कमेंट करूँगा कि आप मेरे फेसबुक या फिर व्हाट्सअप नंबर में आपको दूँगा, व्हाट्सअप तो नहीं दूँगा शायद, चलो फेसबुक पे ही आपको बोलूँगा कि आप मुझे पर्सनली पिंग करो, अपना नाम बताओ, फेसबुक नेम, और उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई देते हुए आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दूँगा। अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम क्या, पासवर्ड जो चेंज किए नहीं जा सकते, तो अकाउंट के साथ आप जो भी करो मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। आप किसी से शेयर ना ही करो तो अच्छा रहेगा, आप खुद खेलो इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब नहीं भी खेलो तो अपने पास ही रखो, हो सकता है कभी आपको टाइम मिले तो आप खेल पाओ, जैसे कि मेरे को कभी कभार मिलता तो है नहीं, पर बस खोल के हालात चेक कर लेता हूँ। गिवे करने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे को इंटरेस्ट रहा नहीं है, मेरे को किने का टाइम मिलता नहीं है, तो अकाउंट वेस्ट ना हो और बिकने के ही मतलब क्या बोलते हैं, बेच तो सकते नहीं, अब कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा डेड गेम को, तो सिंपल है गिवे ही। ऐसा ये अच्छी बात है कि मेरा VIP 0 बहुत ही जल्दी बेच दिया था, सेल कर दिया था, मेरे को शायद उसमें VIP सेल करना चाहिए था पर मैं इसे रोकना चाहता था, पर अब गेम टोटली वेस्ट है, डेड है, तो इसे सेव करने का फ़ायदा है नहीं। जो जो प्लेयर्स हैं आप यहाँ पर ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो, बेस में भी सब रेडी है, क्या बोलते हैं पोस्टर्स वगैरह सब है, स्पीड के भी हैं, अटैक के भी हैं, डिफेंस वाले भी हैं, पोस्टर्स सारी चीज़ें हैं आप हमारे पास, आप जो चाहो से आपने उस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टेलर्स हो या फिर डिफेंडर्स हो तो आप HP वाले कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ अटैक और स्पीड की है और इतने ही है बस डिफेंस की है। तो बेसिकली अब हम लोग आगे कौन से गेम्स खेलेंगे, तो कुछ कुछ जेनेसिन इम्पैक्ट या फिर जेनेसिन इम्पैक्ट ऐसी कुछ करके गेम था, या फिर GTA हम कभी खेल सकते हैं, या फिर कभी हम लोग PUBG खेल सकते हैं, क्योंकि हाँ PUBG में आप अरीना ट्रेनिंग पर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और मज़ा भी आता है उसमें, 5-10 मिनट लगता है आराम से, 15 मिनट में भी आप ब्रेक में भी आराम से खेल सकते हो उसको। और रही बात जेनेसिन इम्पैक्ट ये सब की PC गेम्स हैं, तो सैटरडे संडे मेरे पास टाइम रहता है पूरा, और मॉन्स्टर वीकेंड तो खेलने लायक नहीं है क्योंकि हैकर्स ही हैकर भरे पड़े हैं, तो उसमें आप जेनेसिन इम्पैक्ट या फिर GTA ये सब खेल सकते हैं, या फिर कोई और PC गेम जो आपको अच्छा लगे, माइनक्राफ्ट भी ट्राई करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा गेम है, और कोशिश करेंगे 100 डेज उस पर स्पेंड करने की, और देखेंगे एंड ऑफ द डे हमारा कितना अच्छा
आउटकम निकलता है माइनक्राफ्ट में, क्योंकि माइनक्राफ्ट भी मैं एक बार खेलना चाहूँगा, हालांकि मेरे को खेलना घंटा आता नहीं। लास्ट टाइम मैंने जब खेला था मेरे को सही से याद है, मैं कुछ ऐसे जगह गिरा था जहाँ से मुझे कोई नहीं बचा पाया, शायद किसी गड्ढे में गिरा था या फिर किसी होल में, और वहाँ से मेरे को कोई नहीं बचा पाया, और एक ही तरीका था वहाँ से बाहर निकलने का, मेरे को गेम ही बंद करना पड़ा। तो वो भी अच्छा लगता है कभी कभी, डर भी लगता है कभी कभी, इंटरेस्टिंग भी रहता है। आप घर बनाओ, आप सर्वाइव करो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर रहती हैं। तो वो भी कभी ट्राई करेंगे, एक अच्छा सा घर बनाएंगे, ज़ॉम्बी से बचेंगे, कुछ डिग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने की ट्राई करेंगे अगर कभी माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो। और कोशिश करूँगा कोई अच्छा सा पोकेमॉन गेम मिले, जैसे कि एक गेम मैंने देखा था पर वो बैन हो गया, वो अच्छा था, मतलब ग्राफिक्स वगैरह अच्छा था, आप माउंट पे उड़ सकते थे हवा में, पर वो गेम चाइनीज़ में था और चाइनीज़ गेम्स तो मैक्सिमम बैन ही हो गए, अभी हैं भी तो वो ब्लॉग इन नहीं होते, उनके सर्वर शट डाउन हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही ओपी गेम था। तो अगर कोई ऐसा पोकेमॉन गेम मिलता है जो मॉन्स्टर वगैरह की टक्कर का हो, या फिर उस गेम जैसा हो, या फिर वही गेम हो इंग्लिश में आता है, तो मज़ा आ जाएगा उसको खेलने का गाइस। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और गेम में पार्टिसिपेट जरूर करना, और ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स, होप करते हैं कि किसी सही बंदे को मिले, और अब अकाउंट का ख्याल रखो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।